सर ये आवेदन दिए थे सर कोर्ट फीस के लिए था, जिसको सर डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ से कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसी सर हमने अपील किया था। मतलब नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या खारिज कर दिया? अकिंचनवाद अकिंचनवाद दायर किए थे। जी है क्या? जी बताया ना कितना अच्छा शब्द बोला आपने। फिर अकिंचनवाद दायर किए थे, उसके बाद क्या हुआ? सर खारिज कर दिया उन्होंने कुछ लिखा होगा ना कोर्ट ने खारिज करते समय? सर, उसमें पहले से आपको जो अकिंचन नहीं माना होगा? जी क्या कह के नहीं माना? उसमें सर हमारा एक केस पहले चला था मशीन का डीलर से, तो उसमें सर हमको कुछ रकम मिली थी कितनी रकम मिली थी? सर, 1,62,000 सर। कब मिले थे वो 1,62,000? सर 2011-12 के आसपास सर मिली थी। कोर्ट ने ये कह दिया चूंकि आपको 1,62,000 मिले थे, इसलिए आप अकेंचर नहीं हो। जी तो लेकिन सर उसको हमने बैंक में, जो बैंक के थ्रू लोन लिया था, उसमें हमने जमा कर दिया था, आपने कोर्ट को बताया नहीं कि ये वो कागज हमने वहाँ मेंशन नहीं किया, इस कारण से सर खारिज हो गया उसी आधार आपको पर। बताना चाहिए था भैया, मैं कुछ समय के लिए पैसे वाला बना था, फिर अकेंचन हो गया। नहीं भैया, आपके पास 1,50,000 रुपया आया, आपकी जो है जो अकिंचनपन था वो खत्म हो गया। जैसे वो पैसा गया फिर आप भाई के वहीं आ गए, सर वो बैंक का लोन था तो हमने जमा कर दिया है। तो जी आपको ये बताना चाहिए था ना कोर्ट को। सर जी, तो कोर्ट तो आपको पैसे वाले मानेगी। कितनी कोर्ट फीस लगानी थी? कोर्ट फीस सर कंफर्म होती है 1,10,000 के आसपास एक लाख सर। दस हजार कोर्ट फीस का दावा है ये? किस बात का लिए दावा लगाया आपने, अकिंचन दावा? सर दावा था जो हमें मशीन से क्षति हुई है सर, उस क्षतिपूर्ति के लिए हम मांग किए थे, पर आपको क्या क्या क्षति हुई है आपको? जो हमने लोन लिया मशीन चलाए, फिर मशीन खराब रही, उसके कारण जो हमारा नुकसान हुआ बैठे रहे, इस कारण से हमने दावा प्रस्तुत क्या किया। मशीन ली थी आपने? सर राइस मिल लिए थे सर राइस मिल जी, तो खराब हुई, वो खराब हो गई थी सर, फोरम में केस चला, वापस हो गए, उसी के पैसा हमको मिला जी फॉरम में केस चला, सर। उसमें क्या हुआ? अच्छा, सर वो डीलर ने अपनी मशीन ले ली, हमारा पैसा दे दिया जो बैंक का लोन था वो कितना पैसा था? सर, वो 1,62,000 समथिंग। मशीन की वो 1,62,000 की थी बस? नहीं मशीन तो सर 96,000 की थी, हाँ, लेकिन जो इंटरेस्ट ब्याज बैंक का जो लगा, चूंकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत तो लोन था आपका आपका जो है जो पैसा मिला, जो मशीन खराब हो गई थी, जी। पैसा मिल गया, जी अब क्या चाहिए आपको और? सर उसके कारण सर हम 4-6 वर्ष बैठे रहे, नुकसान हुआ, हमारा मशीन नहीं चली, तो उसके लिए सर हमने लगाया था दावा। बैठे काहे को रहे? सब क्या करते मशीन सर, नहीं चलती तो कुछ और सब कर केस लेते चलता हैं रहा, उसमें कुछ कर है? नहीं पाए, केस चल रहा था सर, कुछ कर नहीं पाए तो मशीन खराब हो गई तो दूसरा काम तो करते रहते कोई। सर। दूसरा क्या अब करते सर, 96,000 रुपये की मशीन लेके बैठ गए, उसी से काम करोगे? नहीं सर वो तो फिर सर बाहर काम करते रहे, कहीं दिल्ली चले जाते थे, कहीं कहीं प्राइवेट ऐसे काम करते वही रहे तो जी आपने कितना पैसा कमाया बाहर काम करते हुए? सर। बाहर अब कहाँ सर, अभी भी सर कर रहे हैं, 6,000 रुपये मिल रहा है। अब 6,000 में सर क्या होता है, बच्चे हैं वाले भी से जो 96,000 रुपये की मशीन उसने दी और वो खराब हो गई, उसके पैसे मिल गए आपको, अब इससे और क्या लोगे? सर। उसके कारण जो नुकसान हुआ है, उद्योग फोरम में जो उद्योग कार्यालय ने जो उसका टारगेट बनाया था महीने में कि आप कितनी आमद होगी इस मशीन से, उसका सर जो नुकसान हुआ वो हम मांग क्या रहे नुकसान हुआ आपको? आपकी 96,000 रुपये की मशीन के बदले आप कितना और जुर्माना हर्जाना मांग लोगे? सर। 7,000 आज मान लो आप जो एक बैलगाड़ी बनवाओ जी और बैलगाड़ी जो है टूट जाए, तो बैलगाड़ी टूट जाए तो मैं धंधा नहीं कर पाया, इसलिए आप मुझे 50,00,000 रुपये का जो है जुर्माना दो या कंपनसेशन दो, ये उचित रहेगा। 96,000 की मशीन के मशीन नहीं चल पाई तो उन्होंने उसके आपको दे दिए 1,50,000 रुपये दे दिए। सर, अब और कितना लोगे उनसे? सर उसका जो नुकसान हुआ सर क्या महीने, नुकसान हो गया आपको? सर जो उसकी आय निर्धारित थी हर महीने 7,799 रुपये, हाँ उद्योग कार्यालय ने निर्धारित किया था हाँ सर, वो नुकसान हम मांग रहे तो थे आप उनसे काम सर। करते तब मिलते ना उतने पैसे, तो राइस मिल के अंदर कुछ काम भी तो करते। काम मशीन मशीन एक आपको एक एडिशनल जी आपको एक शक्ति मिल जाती, लेकिन शरीर तो उसमें भी चलाना पड़ता। जी फिर सर उसी के कारण निरस्त हो गया अभी। तो ये थोड़ी उसमें कोर्ट फीस दीजिए या मुकदमे फालतू चला रहे, बंद करो इसको। ऐसे नहीं है तो मुकदमे ही आपका समझ में नहीं आया। मान लो आप एक लूना खरीदो 10,000 रुपये की, पर लूना नहीं चल पाए, खराब हो जाए, तो लूना खराब हो जाएगी तो लूना के पैसे ले लोगे, 10 की जगह 15,000 ले लोगे। ये थोड़ी जगह था मैं लूना से जो है विदेश यात्रा पे जाने वाला था, वहाँ मुझे इतना पैसा मिलता 50,00,000 रुपये, मैं नहीं जा पाया, इसलिए मुझे 50,00,000 रुपये और दिलाओ। 10,99,000 रुपये की मशीन खराब हो गई, 1,50,000 रुपये मिल गए आपको, और क्या चाहिए? तो सर जो निर्धारित राशि थी सर हर महीने वकील नहीं की, समझ पाए, हम इस केस खारिज करेंगे वकील साहब आने दो। आपका कोई जेन्युइन केस तो हो, आपका 1,50,000 रुपये का केस, 1,50,000 रुपये का केस होता, मशीन वापसी का होता, तब तो समझ में आती, मशीन के पैसे मिल गए। अब आपके सर जिंदगी भर उसके भरोसे रहोगे, उस मशीन के भरोसे उसके कारण जो नुकसान हुआ बैठे रहे सर, उस चीज बैठे नहीं रहे? का बैठ के तो आपको उठ जाना चाहिए था उसी वक्त, आप बैठे क्यों रहे? जैसे मशीन खराब हुई, ये मान लेते कि मशीन का मुकदमा लगाऊंगा और पैसा वापस मिल जाएगा, इसमें दूसरा काम तो करते। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राजेंद्र त्रिपाठी। कुमार त्रिपाठी इज प्रेजेंट इन पर्सन एज प्रेयर लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स। वकील साहब से कह दीजिएगा तैयारी करके आए, जी मुकदमा खारिज होने योग्य है। नंबर 105।